श्रूपनखा के नाक कान काट दिए। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन राक्षसी श्रूपनखा आकाश मार्ग से उधर की ओर से गुजरी, तभी वह श्री राम और लक्ष्मण के सुंदर और मोहक रूप को देखकर मोहित हो गई। वह तुरंत ही जमीन पर उतर आई और अति सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। वह सुसज्जित सुंदर स्त्री श्री राम को रिझाने के लिए उनके पास गई और उनसे विवाह करने के हेतु आग्रह करने लगी। तब श्री राम ने सीता का ध्यान करके कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, वह सुंदरी लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का आग्रह करने लगी। तभी लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उन प्रभु का दास हूँ, अतः पराधीन हूँ, मुझसे विवाह करने में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सेवक को सुख प्राप्त नहीं होता। वह सुंदरी पुनः श्री राम के पास गई और राम ने उसे पुनः लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण ने फिर उस सुंदरी को समझाकर राम के पास भेजा तो वह क्रुद्ध होकर अपने भीषण रूप में प्रकट हो गई। उसे इस रूप में देखकर श्री राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने तुरंत ही श्रूपनखा को बिना नाक और कान की कर दिया। अब श्रूपनखा ऐसी लग रही थी मानो काले पर्वत से गेरू की धार बह रही हो। वह और भी विकराल हो गई थी।